हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कार दुनिया में। आज हम बात करेंगे न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि क्रेटा का एक टॉप एंड वेरिएंट है, उसके बारे में। आज मैं आपको कंपेयर कराऊंगा ओल्ड क्रेटा से न्यू क्रेटा में क्या क्या लुक्स में चेंजेस आए हैं, कौन कौन से फीचर्स नए ऐड हुए हैं, प्लस कौन कौन से फीचर टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। बेहतर कंपैरिजन के मैंने दोनों कार्स को अगल बगल खड़ा कर रखा है। आप देख सकते हैं इसमें जो सिल्वर कलर की कार है वो क्रेटा टॉप एंड का ओल्ड वेरिएंट है, एंड जो ब्लैक कलर की है वो क्रेटा टॉप एंड का न्यू फेसलिफ्ट वेरिएंट है। दोनों ही कार में डायमेंशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। पहले जो डायमेंशन गाड़ी के थे वही सेम फेसलिफ्ट में भी डायमेंशन दिए गए हैं। खाली जो चेंजेस आए हैं वो इसके फ्रंट और रियर लुक्स में आए हैं, कुछ फीचर्स में आए हैं। आज मैं आपको उसका पूरा इन डेप्थ रिव्यू करूंगा। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दोनों ही कार को अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको डिफरेंस साफ दिखाई देंगे। दोनों की रेडिएटर ग्रिल में चेंजेस किए गए हैं। पहले वाली क्रेटा में जो रेडिएटर ग्रिल आती थी वो हेक्सागोनल शेप में थी विद क्रोम स्लैट्स। प्लस अगर आप इसके नीचे बम्पर्स में देखेंगे तो इसमें जो फ्रंट में स्किड प्लेट्स रखी थी वो ब्लैक रंग की दी थी, और साथ ही साथ नीचे कुछ पोर्शंस में इन्होंने मेटालिक पेंट यूज किया था। वहीं अगर हम न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट को देखेंगे तो उसका रेडिएटर ग्रिल पहले से ज्यादा बोल्ड कर दिया गया, अब ये न्यू बोल्ड कैस्केड डिजाइन में दे दिया है, और इसके सराउंडिंग्स का आप क्रोम वर्क देख सकते हैं। इसकी फ्रंट की स्किड प्लेट्स अब ज्यादा ब्राइटर कर दी गई है। इसमें जो पेंट यूज किया गया पहले से ब्राइट यूज किया गया है, तो ये कार को एक फ्रंट से और ज्यादा बोल्ड लुक देने लगा है। अगर इस कार के हेडलैम्प को आप देखेंगे तो ये पहले वाली क्रेटा के हेडलैम्प दिए हुए हैं, जिसके अंदर ही जो है इसमें एलईडी पोजिशनिंग लैंप दे रखे थे, यानी इन लैंप्स को आपको ऑन करना पड़ता था इसकी एलईडी लाइट्स को। ये न्यू क्रेटा के आप हेडलैम्प देख सकते हैं, इसमें से अब एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स हटा दिए गए हैं, वो अब फॉग लैंप्स के सराउंडिंग्स में दे दिए गए हैं, और ये एलईडी डीआरएल्स भी हो गए हैं, यानी अब ये दिन में भी जलेंगे और ये रात को भी जलेंगे। ये आप देख सकते हैं एलईडी डीआरएल्स फॉग लैंप्स के सराउंडिंग्स में दे रखे हैं, और इसकी फॉग लैंप्स की माउंटिंग्स और डिजाइंस को भी चेंज कर दिया गया है। इसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, और इसमें कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स का भी फीचर दे रखा है, यानी आप जिस साइड पर रात को गाड़ी टर्न करेंगे उस साइड भी फोकस आएगा। दोनों ही कार्स की अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो आप साइड प्रोफाइल में दोनों कार को साइड से देख सकते हैं, ओल्ड क्रेटा को और न्यू फेसलिफ्ट क्रेटा को। न्यू फेसलिफ्ट क्रेटा अब पहले से ज्यादा और स्टाइलिश लगने लगी है। इसके पीछे रीजन ये है कि अब इसमें जो है आप एलॉय व्हील्स की डिजाइनिंग को देख सकते हैं, इसमें कंप्लीट एलॉय व्हील्स की डिजाइन को चेंज कर दिया गया है, एंड प्लस रूफ रेल्स की भी इसमें डिजाइन को चेंज किया गया है। ये ओल्ड क्रेटा के 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दे रखे हैं, और ये न्यू फेसलिफ्ट क्रेटा के 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। ये आप साफ देख सकते हैं इसके डिजाइन में बिल्कुल चेंजेस कर दिए गए हैं, अब ये पहले से ज्यादा बेटर इसके अलॉय व्हील्स दिखने लगे हैं। इसके ओआरवीएम्स में आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। इसके बाहर के डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में दे रखे हैं, जो कि कार को प्रीमियम लुक देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी रूफ रेल्स अब इंटीग्रेटेड टाइप दे रखी है, तो ये ज्यादा स्पोर्टी लगती है और कार को ज्यादा स्पोर्टी लुक देती है। ये आप देख सकते हैं पहले वाली क्रेटा के ब्रिज टाइप के रूफ रेल्स के डिजाइन्स को। प्लस सबसे ज्यादा डिमांडिंग फीचर सनरूफ अब आपको इस वेरिएंट में मिल जाएगा। प्लस जो फीचर सबसे ज्यादा डिमांड किया जा रहा था सनरूफ का, वो अब आपको एसएक्स ऑप्शनल क्रेटा में मिल जाएगा। अगर आप रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर प्रोफाइल में कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं किए गए। आप देख सकते हैं इसके जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो अगेन इसके रियर स्किड प्लेट्स में किए गए हैं। इसके रियर स्किड प्लेट्स के पेंट को और ब्राइट कर दिया गया, सिल्वर पेंट में कर दी गई है, जो कि कार को पीछे से भी बोल्ड लुक देती है। ये ओल्ड क्रेटा के बम्पर्स के स्किड प्लेट देख सकते हैं आप। इसके टेल लैम्प्स की थोड़ी सी डिजाइनिंग्स में चेंज किया गया है, कोई बहुत खासा अंतर नहीं है। ये ओल्ड क्रेटा के टेल लैम्प्स हैं और ये न्यू क्रेटा के टेल लैम्प्स भी हो गए। इस कार में आपको डिफॉगर्स मिल जाएंगे, रियर वाइपर मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको इस कार में मिल जाएगा, और शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। क्रेटा का बूट स्पेस 410 लीटर का है, जो कि एक अच्छा खासा सफिशिएंट बूट स्पेस आता है इसमें। इसका स्पेयर व्हील की पोजीशन भी बहुत अच्छी दी हुई है, आप इजीली इसके स्पेयर व्हील्स को निकाल सकते हैं। इसका पार्सल डिटैचेबल है, अगर जरूरत पड़ने पर आप इसके पार्सल ट्रे को हटा सकते हैं।
प्लस अगर आपको कभी बूट स्पेस बढ़ाना है तो आप इसकी रियर सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको फोल्ड करेंगे तो कंप्लीट बेड सरफेस बन जाएगा ये आपके सामने। इस कार में हर डोर पे फुल आर्मरेस्ट दे रखा है विद अ कुशनिंग, ये आप देख सकते हैं इसके आर्मरेस्ट पे कुशनिंग दी हुई है। हर डोर पे 1 लीटर वाटर होल्डर मिल जाएगा प्लस मैप पॉकेट दी हुई है। फुल ब्लैक लेदर अपहोस्ट्री आपको इसमें दी हुई है। रियर हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल फीचर के साथ आते हैं। इसमें रियर सीट्स में फोल्डिंग आर्मरेस्ट भी दे रखा है विद 2 कप होल्डर्स। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए इसमें रियर एसी वेंट्स दे रखे हैं प्लस 12 वोल्ट एक पावर आउट भी पीछे दिया हुआ है। आप इसमें कोई भी 12 वोल्ट का अटैचमेंट जैसे कि मोबाइल चार्जर लगा सकते हैं। इस कार में आपको 2 स्मार्ट कीज मिलेंगी पहले की तरह, प्लस आपको ये स्मार्ट की बैंड भी मिल जाएगा। ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आपको हर क्रेटा SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट के साथ आपको एक किस तरीके की वॉच मिलेगी जो कि पूरी की तरह वर्क करेगी, यानी अगर आपके पास ये वॉच है तो आपको कीज की जरूरत नहीं है। आप बस इस वॉच को पहने रहिए और डोर पे जो है एक ब्लैक रंग का बटन दे रखा है, आप इस बटन को प्रेस करके कार को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। ड्राइवर्स डोर पे आपको आउटसाइड मिरर्स को ओपन और क्लोज करने के लिए उसमें स्विच दिया हुआ है, प्लस आउटसाइड मिरर्स को आप एडजस्ट भी यहीं से कर सकते हैं। इसमें डोर्स लॉक का बटन आपको मिल जाएगा, रियर विंडोज लॉक का बटन दिया है, ऑल फोटोज पावर विंडो के स्विचेस इसमें ड्राइवर्स डोर पे दे रखे हैं। इसका जो ड्राइवर डोर है उसका विंडो ऑटो डाउन फीचर के साथ आता है प्लस ऑटो अप फीचर के साथ विद एंटी पिंच गार्ड। अगर इस बीच किसी का ऑब्जेक्ट आ जाएगा या हाथ आ जाएगा तो जो है ये वापस रोल बैक हो जाएगी। इस कार में अगेन एक सबसे अच्छा फीचर इसमें आ गया है, अब इसकी जो ड्राइवर सीट है वो पावर एडजस्टमेंट सीट दी हुई है, यानी आप इन स्विचेस से ही ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि पहले वाली क्रेटा में ये फीचर नहीं था। या पहले वाली क्रेटा की सीट दे सकते हैं, ये एक मैनुअल दी हुई थी। फ्रंट के डैशबोर्ड में कोई खास चेंजेस नहीं है, ये न्यू वाली क्रेटा का डैशबोर्ड आप देख सकते हैं, ये ओल्ड क्रेटा का डैशबोर्ड। इसके स्टीयरिंग जो है लेदर रैप दे रखा है एक प्रीमियम फील के लिए। इसके स्टीयरिंग्स पे ही जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बटन दे रखे हैं, आप कॉल को यहीं से पिक एंड कट कर सकते हैं, प्लस इसमें वॉइस रिकॉग्निशन बटन आ गया जो कि पहले वाली क्रेटा में नहीं था। इसमें क्रूज कंट्रोल भी ऐड कर दिया गया, ये भी अगेन एक न्यू फीचर है जो कि क्रेटा फेसलिफ्ट में ही आपको मिलेगा। इसका स्टीयरिंग टिल्ट फंक्शन के साथ आता है, आप स्टीयरिंग को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। आप अगर ये स्मार्ट की बैंड पहने हुए हैं तो इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है, आप इस बटन को प्रेस करके कार का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं एंड इसी बटन से आप इंजन को ऑफ भी कर सकते हैं। ये स्मार्ट की बैंड आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम फील देती है, इसमें अच्छे से ब्रांडिंग की गई है हुंडई की, प्लस ये एक फिटनेस बैंड भी है, यानी इसमें आप की के अलावा फिटनेस भी ट्रैक कर सकते हैं। इसका एक मोबाइल ऐप दिया हुआ है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन या एप्पल फोन है तो उसमें आप स्टोर पे जाके एक एच बैंड ऐप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने बाद आप स्टेप काउंट कर सकते हैं आप कितने कदम चले हैं, आप अपनी स्लीप को मॉनिटर कर सकते हैं, प्लस कुछ और सेटिंग्स है जैसे कि आप इसमें अलार्म सेट कर सकते हैं। इस कार का इंस्ट्रूमेंट पैनल आप देख सकते हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल में भी पहले से ज्यादा इन्फॉर्मेशन बढ़ा दी गई है। अब आपको इसमें माइलेज भी आप चेक कर सकते हैं आपकी कार कितना माइलेज दे रही है, डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना फ्यूल है कितने किलोमीटर पर चली जाएगी ये भी आप चेक कर सकते हैं, डिजिटल स्पीड दे रखी है इसमें, इसमें आपको इंजन रनिंग टाइम दे रखा है कितने देर तक गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा, प्लस में यूजर सेटिंग पार्ट भी है। अब इसमें कई सारी चीजों को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इसमें आप बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर भी देख सकते हैं। इस कार में व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट लगा हुआ है, इस फीचर को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, प्लस इसमें रियर स्टेट दे रखा है, आप इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की लाइट यानी इसकी लाइट की इंटेंसिटी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इस कार में 6 एयरबैग्स दे रखे हैं, एक ड्राइवर के लिए एक को पैसेंजर के लिए, 2 साइड कर्टेन्स, फ्रंट की दोनों सीटों पे भी एयरबैग इसमें दिए हुए हैं, यानी इसमें सेफ्टी को भी कहीं से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसकी सीट बेल्ट हाइट एडजस्टेबल फीचर के साथ आती है।
इस कार में आपको डिजिटल क्लॉक भी मिल जाएगी। इसके म्यूजिक सिस्टम में जरूर चेंजेस किए गए हैं। अब इसका म्यूजिक सिस्टम IPS डिस्प्ले के साथ आता है, यानी इसके म्यूजिक सिस्टम की क्लियरिटी पहले से बेटर हो गई है। इसमें आर्कमीज साउंड मूड दे रखा है। इसमें आप म्यूजिक के सराउंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटीज दे रखी हैं। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड ऑटो एंड मिरर लिंक के थ्रू आप अपने फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल फोन है तो एप्पल कारप्ले के थ्रू भी आप अपने एप्पल फोन को कनेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मेंशन कर रखे हैं। इसके रेडियो में भविष्य में आने वाला DRM बैंड भी दिया हुआ है, AM/FM रेडियो भी दे रखा है इसमें। इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने पेन ड्राइव लगा रखी तो पेन ड्राइव में अगर कोई MP3 म्यूजिक है तो वो आप प्ले कर सकते हैं। आप इसमें वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस आपको सिर्फ खड़ी कार में ही प्ले कर सकते हैं, यानी हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। आप जैसे ही हैंड ब्रेक हटाएंगे इसका जो है वीडियो कट ऑफ हो जाएगा। पेन ड्राइव में अगर कोई इमेजेस है तो आप इमेजेस भी ब्राउज कर सकते हैं, बट अगेन ये खड़ी कार पे ही देख सकते हैं। आप ड्राइव करते समय इमेजेस को भी ब्राउज नहीं कर सकते हैं। इस कार में रिवर्स पार्किंग कैमरा दे रखा है। जैसे ही आप बैक गियर लगाएंगे इसके म्यूजिक सिस्टम पे ही रिवर्स पार्किंग कैमरे का डिस्प्ले आ जाएगा। प्लस इसकी जो गाइडलाइंस वो स्टीयरिंग एडेप्टिव है, जैसे आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे इसकी गाइडलाइंस भी मूव करेंगे, तो ये आपको एक एक्यूरेट आइडिया देंगी पार्किंग का। अब इसके म्यूजिक सिस्टम में iBlue ऐप भी आ गया, यानी अगर आपने अपने एंड्रॉइड फोन में iBlue ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो आप एंड्रॉइड फोन से ही इसके म्यूजिक सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें FATC दे रखा है, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, जो भी आपने टेम्परेचर सेट किया वो मेंटेन रहेगा। प्लस इसमें क्लीन एयर फैसिलिटी भी दी हुई है, यानी अंदर किसी प्रकार की कोई डस्ट कोई बैक्टीरिया होंगे तो वो भी ये खत्म कर देगा, तो अंदर की केबिन की एयर बिल्कुल क्लीन रहेगी। इसमें आपको एक USB चार्जर एडिशनल इसमें एक दे रखा है, यानी आप कोई अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। प्लस आप इस USB चार्जर के थ्रू भी आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं डायरेक्टली डेटा केबल से। इस कार में एक सबसे अच्छा सा फीचर आ गया है, अब इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग डॉकेट भी दे रखा है। ये आप देख सकते हैं फ्रंट पैनल पे इसमें एक वायरलेस चार्जिंग डॉकेट दिया हुआ है, यानी अगर आपका फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो आप बस जस्ट अपने फोन को इसके ऊपर रखेंगे और उसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। कौन कौन से फोन सपोर्टिव हैं ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मेंशन कर रखा है। इसका आर्मरेस्ट अब स्लाइडिंग फीचर के साथ आने लगा है, प्लस है यूटिलिटी बॉक्स, आप इसके अंदर कोई भी यूटिलिटी आइटम्स रख सकते हैं। इस कार में सनग्लास होल्डर आपको मिलेगा। फ्रंट पे दो लाइट्स दे रखी हैं, इन दोनों लाइट्स के बीच में सनरूफ को ऑपरेट करने का इसमें स्विच दिया हुआ है। इसमें स्मार्ट सनरूफ दे रखा है, वन टच के में आपको पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा एंड वन टच से ही पूरा सनरूफ बंद हो जाएगा विद एंटी पिंच। अगर उस बीच किसी का हाथ है कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो सनरूफ भी वापस बैक चला जाएगा। ये इसके सनरूफ में एक सेफ्टी फीचर दिया हुआ है। प्लस आप इसके सनरूफ को अगर पूरी फुल ओपन नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसके सनरूफ को ओपन भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें आपको ECM इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर मिलेगा। ये एक सेंसर बेस्ड मिरर है जो कि पीछे से आती लाइट्स को ऑटोमेटिकली डिम कर देगा। इस कार में पहले वाली क्रेटा से 5 कलर्स को कंटिन्यू किया गया है, पोलर व्हाइट, फैंटम ब्लैक, पेरी रेड, स्लीक सिल्वर एंड स्टारडस्ट, प्लस दो नए कलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, पैशन ऑरेंज एंड मेरीना ब्लू। अब आपको टॉप मॉडल पेट्रोल में भी मिल जाएगी, यानी पहले जो क्रेटा SX ऑप्शनल पेट्रोल में नहीं आती थी अब ये आने लगी है। इसका पेट्रोल इंजन 1.6 लीटर का दिया हुआ है जो कि पावर जनरेट करता है 123 PS की एंड टॉर्क जनरेट करता है 15.4 KGM का। ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी। इसका डीजल इंजन भी 1.6 लीटर का दिया हुआ है, CRDA टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये पावर जनरेट करता है 128 PS की, टॉर्क जनरेट करता है 26.5 KGM का। ये भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ही कार आएगी। इस कार में अब इसका माइलेज भी इंप्रूव कर दिया गया है। अगर इसके पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के माइलेज की बात करेंगे तो इसका माइलेज 15.80 किलोमीटर पर लीटर का है, डीजल का माइलेज 20.50 किलोमीटर पर लीटर का ARL माइलेज सर्टिफाइड है। अगर हम इस कार के प्राइस कंपैरिजन की बात करते हैं ओल्ड और फेसलिफ्ट क्रेटा के एक्स शोरूम्स में, तो पहले पेट्रोल में ये कार नहीं आती थी और उसका फेसलिफ्ट वेरियंट जो है वो 13,59,948 का है, और डीजल वेरियंट जो है वो ओल्ड क्रेटा का एक्स शोरूम कॉस्ट था
40,52,621 का एंड फेसलिफ्ट वेरिएंट जो है वो अब हो गया है 50,03,934 का, यानी इसका प्राइस पहले से थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। सो दोस्तों, ये एक ओवरऑल कंपैरिजन किया मैंने आपके सामने ओल्ड क्रेटा और न्यू फेसलिफ्ट क्रेटा SX ऑप्शनल टॉप एंड वेरिएंट का। आपने जाना इसके लुक्स में क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से नए फीचर्स ऐड हुए और प्लस इसके ओवरऑल क्या क्या फीचर इस कार में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं बहुत ही जल्द आपको और भी इसके क्रेटा फेसलिफ्ट वेरिएंट के वीडियोस आपके सामने लाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।